हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। और आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो हमारा ज़रूर से पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि आज मैं आपके लिए कौन सा वीडियो लेकर आई हूँ। दोस्तों, आज हम डिज़ाइनर स्लीव्स क्रिएट करने वाले हैं। डिज़ाइनर स्लीव्स क्रिएट करने के लिए हमने देखिए आस्तीन है, जो कि जिस प्रकार से उसको कटिंग की जाती है, वैसे नॉर्मल हमने कटिंग कर ली है। ये आस्तीन हमारी जो कि 3/4 है, और इसको डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए, इस पर जो डिज़ाइन हम अप्लाई करेंगे उसके लिए हमने ये फैब्रिक ले रखा है। ये देखिए, ये वाला हमने फैब्रिक ले रखा है, और इसके लिए हमने कुछ डेकोरेट्स करने के लिए कुछ बीड्स ले रखे हैं, ये वाले जो कि हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ कि हमें ये डिज़ाइन किस प्रकार से बनानी है। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, या आप पहली बार हमारे चैनल को विज़िट कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का आइकन ज़रूर से प्रेस करें। तो चलिए हम सीखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हमें क्या करना है, जो हमारा ये वाला कपड़ा है, इस कपड़े की हमें पट्टियाँ कट करनी हैं। ये हमारा थोड़ा सा कपड़ा है, इसकी पट्टियाँ हमें कट करनी है। कम से तकरीबन हमारी जो पट्टी हो वो 1 मीटर की होनी चाहिए, और जब हम पट्टी कट करेंगे तो ये हमारी डबल में होनी चाहिए, इस तरीके से हमारी डबल होनी चाहिए। तो हम इसकी पट्टियाँ कट कर लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये हमने इसको इस तरीके से बिछा लिया है, और मुझे इतना कम से कम, ये हम डेढ़ इंच की जो हमारी इसकी फोल्डिंग है, ये 1.5 इंच की है, 1.5 से 1.25 है। ये देखिए, ये हमारी 1.25 है, तो ये हम 1.25 इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हम ये डबल कट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने पट्टियाँ कट कर ली हैं। अब हमें क्या करना है, इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, और इस पे हमें एक कच्ची सिलाई लगा लेनी है, जो कि हम लगा लेते हैं। ये देखिए, ये हमने इसे कच्चा कर लिया है। अब हमें क्या करना है, ये हमारी आस्तीन है, ठीक है, आस्तीन का जो हमारा उल्टा वाला भाग है उसको हमें रखना है। ये हमारा उल्टा भाग है। अब आपको क्या करना है कि इस बाजू का जो सेंटर है, ये हमारा सेंटर है बाजू का, और बाजू की जितनी गोलाई है उसका निशान लगा लेना है। ये देखिए, यहाँ से मैंने ये लगा रखा है यहाँ पे 5, और ये हमने लगा रखा है यहाँ 5, मतलब ये हमने टोटल 10 इंच का निशान लगा रखा है, जो कि बाजू की गोलाई है। अब क्या करना है, जो हमारी ये वाली पट्टी है, ये देखिए, ये वाली जो पट्टी है, इस पट्टी को इस तरीके से हमें इसके ऊपर ऐसे रखना है, यहाँ से, यहाँ से। अब ये देखिए, हमें यहाँ से इसको स्टिच करना है। और जो हमने मार्किंग की है, उस मार्किंग से 1-2 बूट आगे लेके आना है इसे सिलाई को, और इसको इस तरीके से यहाँ पर हमें प्लेस डालनी है। ये देखिए, इस तरीके से हमें पूरे इसके अंदर प्लेस डालनी है। ये देखिए, ये हमने प्लेट्स लगा ली हैं। ये हमारा छोटा साइड है, इसको हमने इस उल्टे साइड से लगाया था, और इसको फिर हमने इस तरीके से अरेंज कर लिया है। ये हमारा छोटा साइड हो गया है। ये देखिए, ये हमारी प्लेट्स कंप्लीट हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये वाला फैब्रिक है, इस फैब्रिक की हमें 1.25 इंच की, 1.25 इंच की एक पट्टी और कट करनी है। ये देखिए, हमने ऑलरेडी कट कर रखी है, ये हमारी 1.25 इंच की पट्टी है, जो कि हमने कट कर ली है। इसे भी हमें स्टिच करना है। ये देखिए, इसे हमें इस तरीके से, ये हमारा उल्टा साइड है,
और ये हमारा उल्टा साइड है, तो हमें इस तरीके से स्टिच करना है उल्टे साइड की तरफ। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल यहाँ पर हमें माइनर सा दबाव देना है। ये देखिए एक बूट का दबाव है हमारे इसमें। ये देखिए ये हमने यहाँ पर स्टिचिंग कर ली है। अब इसे क्या करना है, इसे इस तरीके से पकड़ना है और इसे इसकी चिराई सिलाई जो बोलते हैं इसे इस तरीके से इसकी ये जो सिलाई है तो इसका मार्जिन है ये दोनों तरफ हमें इस तरीके से इसको कर देना है। ये इस तरीके से इसे करते हुए अरेंज कर लेना है। ये देखो ये हमने इस तरीके से चिराई सिलाई कर ली है। अब हमें क्या करना है, इसे सुई की सहायता से पलट लेना है। ये देखिए अब हम इसे पलट लेते हैं। ये देखिए ये हमने पट्टी पलट ली है और इसे हमने नाखून की सहायता से इसे इस तरीके से क्रीज बनाकर बिल्कुल स्ट्रेट कर ली है। अब क्या करना है, जो हमारा ये वाला फैब्रिक है इस फैब्रिक की हमें 2.5 इंच की पट्टी कट करनी है। 2.5-3 इंच की आप पट्टी कट कर लीजिए। ये देखिए मैंने पट्टी ऑलरेडी कट कर रखी है, ये हमारी पट्टी 3 इंच की है। तो अब इस पट्टी को हम क्या करेंगे, इतना फोल्ड करेंगे हम, इतना फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम इसे टॉप की सिलाई देते हुए स्टिच कर देंगे। देखिए ये हमने यहाँ पर स्टिच कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसे भी इस तरीके से इतना फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरीके से कि ये हमारी जो पट्टी है वो 2 इंच तैयार रहे। ये देखिए बिल्कुल 2 इंच है। इस पर भी हमें टॉप की स्टिचिंग करनी है। ये देखिए ये हमने टॉप की स्टिचिंग कर ली है। अब हमें क्या करना है, जो हमारी आस्तीन है इसे इसको इस तरीके से रखना है और इसे सेंटर कर लेना है और सेंटर में हमें निशान लगा लेना है इस तरीके से। ये हमने निशान लगा लिया है और यहाँ से हमें फिटिंग का भी निशान उठा लेना है। जो हमारी बाजू थी 10 इंच की तो 10 इंच का हाफ लगा लेंगे यहाँ पर इस तरीके से। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर लगा लेंगे। ये निशान लगा लिया हमने। अब हमें क्या करना है, जो हमारी ये वाली पट्टी है, ये वाली पट्टी हमें इस तरीके से यहाँ पर सबसे पहले स्टिच करनी है बिल्कुल सेंटर में। ये देखिए इसको सेंटर से यहाँ रखेंगे और यहाँ से हमें इसको सबसे पहले यहाँ स्टिच करना है, जो कि ये देखिए हम कर लेते हैं। इसे बिल्कुल सेंटर में अरेंज करना है इस तरीके से। ये हमने अरेंज कर लिया है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये वाला निशान है सेंटर वाला,
इस निशान से हम यहाँ पर इतना मतलब पौने एक से एक सूच ज़्यादा हम यहाँ निशान लगाएंगे। ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ पर निशान लगाएंगे, ये टोटल हमारा 1.5 इंच का निशान हो जाएगा। ये देखिए ये हमारा 1.5 इंच का निशान हो गया। ठीक इसी प्रकार से हम 1.5 इंच का निशान यहाँ लगाएंगे, 1.5 इंच का निशान हम यहाँ लगाएंगे और 1.5 इंच का निशान हम यहाँ लगाएंगे। इस प्रकार से हम ये निशान यहाँ पर भी उठा लेंगे। ये देखिए ये हमने निशान उठा लिए हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा ये वाला निशान है इस निशान पर हमें यहाँ पर स्टिच कर लेना है इसे। ये देखिए ये हमने यहाँ पर स्टिचिंग कर ली है। ये देखिए हमने स्टिचिंग इस प्रकार से की है कि जो हमारा थ्रेड है, जो हमारा ये वाला कलर का जो कपड़ा है उस पर हमारा ये थ्रेड नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक इसी प्रकार से हमें यहाँ पर भी स्टिचिंग करनी है। ये देखिए इसे इस तरीके से पक्का करना है और इसे मिड में उठाना है और इसे कट कर लेना है, तो हमारा जो धागा है वो हमारा कच्चा भी नहीं दिखेगा। इसी प्रकार से हमारे जो ये चीज़ें हैं जितनी भी आगे हमें ये स्टिचिंग करनी है वो हम कर लेते हैं। ये देखिए ये हमने यहाँ पर स्टिच कर लिया है। आप देखिए फ्रेंड्स मैंने क्या किया है, जो हमारा ये सेंटर था तो सेंटर वाला जो हमारा ये वाला बॉक्स है इस वाले बॉक्स को मैंने हल्का सा लूज छोड़ा हुआ है। ये देखिए और जो दूसरा बॉक्स है इसके बगल वाला जो बॉक्स है उसको स्ट्रेट हमने स्टिच किया है। फिर जस्ट इसके बगल वाला जो बॉक्स है उसको हमने हल्का सा लूज छोड़ा हुआ है और फिर इसके बाद में ये देखिए हमने मार्किंग की थी। ये जो मार्किंग है ये हमारी फिक्स है, यहाँ से यहाँ तक हमारी जो आस्तीन है उसकी जो गोलाई है वो कम्प्लीट हो रही है, इसलिए जो ये वाला प्रोसीजर है वो हमने आगे इसको फॉलो नहीं किया है। सेम इसी तरीके से हमने यहाँ पर भी किया है। अब हमें क्या करना है, जो हमारे बीड्स हैं वो हमें यहाँ पर डेकोरेट करने हैं। ये देखिए ये हमारे बीड्स हैं, इन बीड्स को हम इसमें लगाने वाले हैं। कैसे लगाएंगे ये देखिए, सबसे पहले जो हमारा ये सेंटर वाला जो पोर्शन है इसे सेंटर से थोड़ा सा इस तरफ जाएंगे और यहाँ से हम इसे इस तरीके से लेंगे। और इसे इस तरीके से पकड़ेंगे और थोड़ा सा हम यहाँ पर एक सूत आगे इसे और हम इस तरीके से स्टिच करेंगे और इसे हम पक्का कर लेंगे। इस तरीके से अब जो हमारा ये बीड्स है इसे इस तरीके से लेंगे। और इसे इस तरीके से वापस से इसके अंदर डालेंगे थ्रेड को और इस तरीके से लेते हुए इसे हम यहाँ पर पक्का कर लेंगे। ये देखिए ये हमने बीड्स लगा लिया है। ठीक इसी प्रकार से जो हमारा ये दूसरा वाला पोर्शन है जिसको हमने लूज छोड़ा था इस वाले पोर्शन पे भी हम बीड्स लगा लेंगे। ये देखिए हमने ये तीन बीड्स लगा लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। आगे हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी जो मोहरी है वहाँ तक ही हमारी ये चीज़ कंप्लीट हो रही है। दोस्तों ये देखिए बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम मटेरियल के हमने ये जो आस्तीन है डिजाइनर आस्तीन है वो हमने बना के तैयार कर ली है।
आशा है दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हम फिर आपसे मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर, एक नया वीडियो लेकर जो आपके लिए फ्रूटफुल हो। तो हम फिर आपसे मिलते हैं, जब तक हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।